ओम शांति। 25 जनवरी 2023। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग, भारत की ही बात है। और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। ये कब विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंच ते ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सत्युग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरमपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरमपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सत्युग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं, भक्ति सिखलाने वाले। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरमपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत
कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरमपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, ये बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला कर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बेलावेट है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्ठा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास, हठ योगी है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के, द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वे कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता, परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है, हम आत्मा सत्युग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल, कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सच खंड, वहां झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ फिर सच का नाम नहीं है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सत्युग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं।
तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो पांच विकार भी नहीं हो सकते। वह संपूर्ण निर्विकारी राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है ये भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं, तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट हैं तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे अर्थात झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से श्री बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं। फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबर वार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वे फिर 21 जन्म चलेंगे। अब हैं सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे, याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बी के ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण ये भी समझते नहीं कि इतने सब बी के हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है।
ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है, जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है, याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरा, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं, सच खंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ओम शांति।